नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के लिए कल होने वाले मतदान को सम्पन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना करते हुए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कल 30 जनवरी को बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन को पूर्ण शांतिपूर्वक निर्वाध एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 23 मतदान केंद्रों पर कुल 36 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 30,649 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए मतदाता सूची में मतदाता का नाम होना आवश्यक है। यदि मतदाता के पास एपिक नहीं है तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को पहचान पत्र के रूप में दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये हमारी सभी पार्टियां तैयार हो गई हैं। सभी पार्टियों ने जो 23 केंद्र हैं, 36 मतदेय स्थल हैं, सबने सामग्री प्राप्त करके अब सब यहां से रवाना हो रही हैं। माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और सभी पार्टी भी एक घंटे में पहुँच जाएंगी और सबको ट्रेनिंग दे दी गई। सारी हमारे यहाँ कितने मतदान स्थल हैं? हमारे कुल 36 मतदेय स्थल हैं और 23 केंद्र हैं। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।